क्या आप सभी को पता है कि आप ठंड में कितना पैसा बर्बाद कर देते हो पानी को गर्म करने में। आप इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म करोगे तो आपका लाइट का बिल, और गैस से करने वाले हो तो गैस का बिल, बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है इन सभी के अंदर। तो भाई आज का वीडियो आपका पैसा बचाने वाला है। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका पानी गर्म हो जाएगा और ना ही आपके पैसे लगने वाले। आज मैं आप सभी के पैसे बचाने वाला हूँ, आपके 0 रुपए में पानी गर्म होगा। और मैं यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जो कि पूरा का पूरा कबाड़ से होने वाला है और आपके पैसे बचेंगे, आपको नॉलेज मिलेगा। चालू करते फटाफट इस वाली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत सारा पैसा बचेगा इसके अंदर। और भाई वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करो ना भाई। तो भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कबाड़े में जाना पड़ेगा। वहां से आपको एक पुराना कार का रेडिएटर लेके आना पड़ेगा। ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा अगर आप पुराना लोगे तो, अगर आप नया वाला लोगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलने वाला है। तो आप जहां तक हो सके पुराना वाला यूज़ करना, और जितनी बड़ी साइज का मिल जाए उतनी बड़ी साइज का आप ले लेना। अगर ट्रक का मिल जाए तो ट्रक का काफ़ी अच्छा से काम करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके अंदर जो एल्यूमिनियम की पत्तियाँ लगी हुई है, इन सारी पत्तियों को हमें कट करना होगा इसके अंदर से, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करने वाली है। हमारा जो है फोकट जगह को घेरेगी और हमारा जो प्रोसेस है गर्म पानी करने की वो उसको स्लो कर देगी। इस काम में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भाई ये ध्यान से काम करना, क्योंकि इसके अंदर जो एल्यूमिनियम की नलियाँ लगी हुई है ये काफ़ी पतली एल्यूमिनियम शीट से बनी होती है, तो ये पंचर काफ़ी जल्दी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल ध्यान से कट करें, अगर ये एक भी लीक होगी यहाँ से तो सारा काम हमारा बिगड़ जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमारा खुल चुका है ये। अब यहाँ पर इसके ऊपर करेंगे हम ब्लैक कलर। इसके ऊपर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ऐसा दूसरा कलर नहीं करना है आपको, क्योंकि ब्लैक कलर आप सभी को पता है कि गर्मी काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर ही करेंगे और इसके ऊपर ब्लैक करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना हमारा जो पानी है वो अच्छे से गर्म नहीं होगा इसके अंदर। फाइनली आप देख सकते हो मैं इसको ऊपर का जो टैंक है उसको भी ब्लैक कलर में कर रहा हूँ, नीचे भी ब्लैक कलर कर रहा हूँ, सब जगह पर ब्लैक कलर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं प्लाईवुड शॉप से यहाँ पर MDF बोर्ड लाया हूँ, आप यहाँ पर प्लाईवुड का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे की साइड में देख सकते हो मैंने इतना बड़ा प्लाईवुड MDF बोर्ड का पीस लिया है कि हमारा जो पूरा कार का रेडिएटर इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाने वाला हूँ मैं इसके लिए। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर फेविकोल लूँगा मैं और फेविकोल से इसको पूरा अच्छे से चिपका दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स टाइप का बनाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं फटाफट से क्या करूँगा, फेविकोल लगाऊंगा और फेविकोल लगाने के बाद इस बॉक्स को पूरा बना लूँगा। तो फाइनली गाइस हमारा यहाँ पर पूरा चिपक चुका है, इसको छोड़ देते सूखने के लिए। सूखने के बाद ये इस टाइप का दिखने वाला है भाइयों आप सभी को। अब हमारे जो कार का रेडिएटर है ना उसको इस टाइप से रखेंगे, और यहाँ पर जो पाइप लगे हुए हैं इन पाइप की यहाँ पर मार्किंग लगा देंगे। मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पर होल कर देंगे हम। फाइनल गाइस हमारे होल यहाँ पर हो चुके हैं, और भाइयों हमारे जो होल है यहाँ पर गलत हो चुके हैं, क्योंकि गाइस वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत सारा दिमाग में चीज़ों को रखना पड़ता है कि कैमरा कहाँ पर सेट करना है, सब कुछ हमें ध्यान रखना होता है। तो उसके अंदर क्या है कि प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी। फिर मैंने क्या करा है कि वापस से होल किए इसके सही, और फाइनली हमारे जो यहाँ पर कार रेडिएटर अंदर काफ़ी अच्छे से आ चुका है। अब यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर की साइड में भी पूरा मैं ब्लैक कलर कर दूंगा ताकि ये भी काफ़ी अच्छे से गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ब्लैक कर दिया है, सूख चुका है कलर हमारा। उसके बाद हमारा कार रेडिएटर इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो चुका है। अब यहाँ पर लेंगे एम सील। लेने के बाद यहाँ पर इसको दोनों को मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हमारे जो होल हैं इन होल को अच्छे से पैक कर देंगे। और भाइयों मैंने जो एक्स्ट्रा होल किए थे वो गलती से हो गए थे, उनको भी यहाँ पर मैंने पैक कर दिया है। अब भाइयों यहाँ पर मैं लूँगा ग्लास, कांच जो होता है ना वो कांच हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा काफ़ी कम रेट के अंदर, और इसी बॉक्स के साइज का आपको कटवा के लाना है वहाँ से, ठीक है, वरना आपसे घर में कटेगा ना, ये टूट जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे सिलिका, ये भी आपको जहाँ से ग्लास लाओगे ना वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप पूरी बोतल नहीं लाना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, वहाँ पर लेके चले जाइए, इसको ग्लास वाला इसको चिपका के आपको दे देगा। तो यहाँ पर हम इसको चिपका देंगे और पूरा ये एयर टाइट हो जाएगा सिलिका लगाने के बाद में। तो भाई इसको सूखने में लगभग 1 दिन लगेगा, तो इसको अच्छे से सूखने दीजिए आप पहले। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कुछ बैंड्स यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री का मेरे पास एल्बो है, 4 एल्बो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ मैं। और यहाँ पर देख सकते हो 45 डिग्री के हमारे पास 2 है, और टी जॉइंट है, एक एंड कैप है,
और यहाँ पर कुछ पाइप से। तो यहाँ पर जो पाइप की साइज मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप अपने अनुसार भी कर सकते हो क्योंकि आपकी टंकी कितनी बड़ी है छोटी है उसके अनुसार आपको यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने पाइप यूज़ करे उन सभी का दिखा दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को हम यहाँ पर जॉइंट बना लेंगे और जॉइंट लगा देंगे इसके अंदर। तो फाइनली गाइज अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा बॉक्स है इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर जो पाइप एक्स्ट्रा थे उनको मैंने कट कर लिया है। और भाई मैं आपको बता दूँ, ये जो पाइप है कार रेडिएटर के अंदर से नहीं आएंगे, मैंने इसको एक्स्ट्रा लगाया था तो ये मैं बताना भूल चुका था आपको सभी को, तो आप भी पहले लगा लीजिए इन पाइप को, ठीक है, ताकि बाद में पाइप लाइन डालने में आपको दिक्कत ना हो। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मैंने पाइप को लगा दिया है, एक नीचे की साइड में पाइप लगा हुआ है, एक ऊपर की साइड में। अब चाहिए हमें टंकी जो कि पानी हमारा स्टोर होगा इसके अंदर। आप यहाँ पर नॉर्मल टंकी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा जो है ये सोलर वाटर हीटर है जिसमें पानी गर्म होने में पूरा दिन लगता है। अगर आप नॉर्मल टंकी का यूज़ करोगे गाइस तो उसके जो परत होती है पतली सी होती है जो हवा के संपर्क में आने में हमारे पानी को ठंडा कर देगी वापस से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो कैंपर होता है पानी रखने का जिसके अंदर हम ठंडा पानी डालते हैं तो हमारा पूरे दिन ठंडा रहता है, दो दिन तक हमारा पानी ठंडा रहता है उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर लगी होती है फोम। जैसे आप देख सकते हो मैंने ढक्कन आपको खोल के दिखाया, इस ढक्कन के अंदर भी फोम लगी हुई है। ये फोम क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर पानी अंदर ठंडा है तो ठंडा ही रखेगी, अगर गर्म है तो गर्म ही रखेगी इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप कैंपर यूज़ करेंगे, पुराना वाला आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख लो इसका जो केप है, इस केप के अंदर मैं होल कर दूंगा दो ताकि हमारे पाइप इसके अंदर डाल सके हम। फाइनली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये खुशी हो चुका है क्योंकि हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। अब यहाँ पर दो पाइप लूंगा, एक छोटा वाला जो कि एक ऊपर की साइड में रहेगा और एक लंबा सा लेंगे ताकि हमारे टंकी के नीचे तक ये पहुँच जाए। तो यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है, आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमने जो पाइपलाइन पूरी कर दी, एक नीचे की साइड में लग चुका है, एक ऊपर की साइड में और यहाँ पर आ चुका है। एक यहाँ पर MDF बोर्ड का टुकड़ा लगा दिया इसके सपोर्ट में मैंने, और अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसको इस टंकी के अंदर इसको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, लेकिन इसको कनेक्ट करने से पहले इसके अंदर हमें पानी डालना होगा ताकि इसके अंदर जो वाटर सप्लाई है वो ऑन हो जाए। इसके अंदर जो है यहाँ से पानी डालेंगे और यहाँ पर पानी निकलना चाहिए, इसके अंदर पूरा फिल हो जाना चाहिए पानी। जब तक इसके अंदर पूरा पानी फिल नहीं होगा जब तक ये काम नहीं करेगा। आज तो हवा भी बहुत तेज चल रही है यार, और आप पास में शादी भी है, ढोल वोल भी बज रहे हैं। तो यहाँ पर पानी निकल गया है, मतलब इसके अंदर पूरा पानी फिल हो चुका है। फाइनली यहाँ पर इसका मैंने कनेक्शन कर दिया है पूरा और अच्छे से टाइट दबा दिया है, और यहाँ पर हमने ग्लू लगा दिया जिससे चिपक गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो मुंह दिख रहा है यहाँ से पानी इसके अंदर डालना है, इसके अंदर ऐसा पानी निकालेंगे गर्म पानी तो इसके अंदर खाली हो जाएगा तो वापस से खोलना ना पड़े, इसलिए यहाँ पर ढक्कन रखा हमने, और इस ढक्कन को यहाँ पर लगा देंगे पानी डालने के बाद में, तो यहाँ पर ये पूरा फिल हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमारा सोलर वाटर हीटर है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आपके बहुत सारे के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये पानी गर्म कैसे होगा और कैसे इसका काम करेगा सिस्टम, तो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा काम ये है कि इसके अंदर क्या है कि एक नली जो है यहाँ तक है ऊपर तक, और एक नली जो है नीचे तक जा रही है, ठीक है। इसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो पानी भरा है वो भी ठंडा है, लेकिन यहाँ पर जो है धूप है इसके ऊपर गिरेगी। ब्लैक कलर जो होता है वो जो है गर्मी को एग्जॉर्ब करता है, मतलब अंदर खींच लेता है अपने। आप सभी ने देखा होगा कि गर्मियों में हम व्हाइट शर्ट पहनते ताकि गर्मी कम लगे, और ठंड में हम ब्लैक शर्ट ज्यादा पहनते ताकि हमें गर्मी आराम से मिल सके। अब इसके अंदर क्या है, ठंडा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ये पूरा ब्लैक कलर का है, तो धूप जैसे गिरेगी इन नलियों के अंदर पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर जो पानी गर्म होगा वो गर्म होकर ऊपर की साइड में आएगा और इसके अंदर चला जाएगा, और ठंडा पानी इसके अंदर से निकल के इसके अंदर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि यार इसके अंदर कोई मोटर तो लगी नहीं हुई जो इसका पानी इसके अंदर डालेगा और इसका पानी इसके अंदर डालेगा, इसके अंदर क्या होता है फिजिक्स काम करने वाली है। आप सभी ने फिजिक्स पढ़ी होगी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि गर्म पानी या फिर गर्म हवा होता है उसका द्रव्यमान जो होता है मास होता है वो कम होता है, और ठंडे पानी और ठंडी हवा का जो मास होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है ठंडा पानी और ठंडी हवा जो होती है नीचे की साइड में आती है वो गर्म होने के बाद में ऊपर की साइड में उठती है। तो अब यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है, जब भी हमारा पानी गर्म होगा तो यहाँ पर ऊपर की साइड में उठेगा और इस नली से यहाँ पर जाके इसके अंदर चला जाएगा।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ का जो गर्म पानी इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगी जिससे क्या है ठंडा पानी इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, और ये साइकिल बार बार चलता रहेगा जब तक पानी काफी ज्यादा गर्म ना हो जाए। और यहाँ पर आप इस कैंपर की जगह नॉर्मल बोतल भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि जब रात होगी जो काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन चल जाएगा, तो उसके अंदर क्या है कि ये जो है इसको गर्म ही रखेगा पानी को, लेकिन अगर नॉर्मल टंकी होगी तो वो ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने यहाँ पर कांच क्यों लगाया उसका रीजन आपको दिखा देता हूँ। हम छत पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर हवा काफी तेज चल रही है, इसके अंदर जो नलियां है ये धूप से गर्म होगी, लेकिन क्या है कि हवा इनके अंदर गुजरने के बाद में इनको ठंडा कर देगी जिससे पानी हमारा गर्म नहीं होने वाला है। कांच लगा दिया इसके ऊपर, इसके अंदर हवा नहीं लगेगी, ठीक है, हवा घुसेगी नहीं, बस डायरेक्टली धूप जा रही है अंदर की साइड में, पानी गर्म होगा और इसके अंदर चल जाएगा। इसके अंदर भी हवा लगने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा सिस्टम कैसे काम करता है सोलर वाटर सिस्टम का। और यहाँ पर अब क्या करना होगा, इसका डायरेक्टली पानी गर्म नहीं होगा, इसके लिए हमें एक दिन इसको छोड़ना होगा। बहुत सारे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसको हम अभी यूज नहीं कर सकते तो सुबह हमने पानी भरा इसके बाद रात को हम नहाएंगे क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आज इसके अंदर पानी भर दीजिए सुबह, आज पूरा दिन इसका पानी गर्म होगा, और कल सुबह जब आप नहाओगे तो रात में इसका जो पानी ठंडा नहीं होगा इस कैंपर के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप सुबह नहाओगे तो आपको पूरा कैंपर भर के गर्म पानी मिल जाएगा। आप नहा लीजिए, उसके बाद वापस इसके अंदर फिल कर दीजिए पानी। जैसे कि आज इसको हमने बनाया है तो आज हमें गर्म पानी इससे नहीं मिलेगा, कल हमें गर्म पानी इससे मिल जाएगा, फिर वापस से पानी डालेंगे परसों भी हमें गर्म पानी मिल जाएगा। इस टाइप से हमारा लगातार काम चलता रहेगा, आज का पानी कल गर्म हमें मिलेगा इसके अंदर। तो फाइनली अब यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और मिलते हैं कल, कल देखते हैं इसका पानी गर्म होता है या फिर नहीं होता है। तो इसको छोड़ देते हैं, अब कल के दिन आपको मिलेंगे हम। One day later. तो गाइस फाइनली पूरा एक दिन हो चुका है और यहाँ पर हम चेक करेंगे पानी गर्म हुआ या फिर नहीं हुआ हमारा। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम देख सकते हो, यहाँ पर इसी टाइप से लगा हुआ है, और यहाँ पर रात भर इसको छोड़ा ना तो रात में काफी ज्यादा ठंड थी, तो यहाँ पर फॉगिंग जम चुकी है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा धूल जम चुकी है इसके ऊपर, लेकिन हमने साफ कर दिया है। और यहाँ पर रात में जो है काफी ज्यादा ठंड थी, इसके अंदर फोग जम चुके अंदर की साइड में। अब ये क्या है कि जैसे जैसे हमारा दिन निकलेगा और धूप ज्यादा निकलेगी तो ये सारे फोगिंग अंदर से खत्म हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर फिर भी थोड़ी कम हो चुकी है, सुबह की साइड में बहुत ज्यादा थी, मैंने जब चेक करा था इसको तो बहुत ज्यादा थी इसके अंदर। अब यहाँ पर ये जो पानी है हमारा गर्म हुआ या फिर नहीं हुआ, इसके लिए आपको यहाँ पर चेक करके दिखाएंगे। तो भाई अब यहाँ पर देखते हैं इसका पानी गर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर मीटर है इस टाइप का, और यहाँ पर इसको चालू करके दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 24 डिग्री के आसपास है यहाँ पर। और अब यहाँ पर इसका पानी का हम टेम्परेचर देखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले ढक्कन है, इस ढक्कन को खोल देंगे और उसके बाद ये जो टेम्परेचर का यहाँ पर सेंसर है इसको इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 डिग्री के आसपास है ना हमारा टेम्परेचर। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसका पानी जो टेम्परेचर है वो अभी बता देगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे देख सकते हो धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है बढ़ना चालू हो चुका है, मतलब पानी हमारा जो है इसके अंदर गर्म है। तो यहाँ पर देखो 30 डिग्री तक हमारा पहुँच चुका है, 31 डिग्री, और इसी टाइप से यहाँ पर इसको रख देते हैं, ये पूरा सेट हो जाएगा, इसका पानी का टेम्परेचर चेक हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारा सिस्टम वैसे का वैसा लगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सारा का सारा पानी हमारा जो है यहाँ पर गर्म हो चुका है। अभी आप देखिए 34 डिग्री हमारा यहाँ पर हो चुका है, 35 डिग्री तक हमारा ये बता रहा है अभी, 35 डिग्री इसके अंदर हमारा पानी गर्म हो चुका है, और 35.5 है यहाँ पर, 6 है, मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग यहाँ पर ये 35-36 डिग्री तक हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर 36.6 डिग्री यहाँ पर इसने बता रहा है यहाँ पर, और ये 35-36 के आसपास ही यहाँ पर टिक चुका है, अब यहाँ पर आगे बढ़ नहीं रहा है। तो भाई यहाँ पर इसमें पानी जो है इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ कि इसके अंदर आप डबल से पानी ठंडा मिलाइए उसके बाद गुनगुना करके भी आप नहा सकते हो। इसमें इतना पानी गर्म होता है कि डायरेक्टली इस पानी से आप नहा सकते हो, इसके अंदर और एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। भाई काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है, और हमारा जो पानी था एक टंकी भर के इसने पूरा का पूरा गर्म कर दिया, इससे आप डायरेक्टली नहा सकते हो या फिर पीने के अंदर भी काम ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कि पीना चाहते हो तो भी पी सकते हो इसके अंदर साफ पानी डालने के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा काफ़ी अच्छे से इसने काम किया है। अब यहाँ पर इसका पानी निकालना, तो इस नल को खोलिए, पानी गर्म हमारे इसके अंदर से आ रहा है और यहाँ से आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जितना पानी निकालना निकाल सकते हो, उसके बाद इसमें पानी वापस से डालना है। आप चाहते हो इसके अंदर वापस से पानी डालना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट नल का एक पाइप डाल सकते हो, जब भी हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे तो यहाँ पर वापस से पानी इसके अंदर से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक बोलूंगा आपको यहाँ पर डायरेक्टली मत लगाना इसके अंदर, क्या होगा कि आप इसके अंदर से पानी निकालोगे तो पानी हमारा इतना निकलने के बाद में क्या होगा, ठंडा पानी मिक्स हो जाएगा, तो पूरा पानी ठंडा हो जाएगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि इसका पानी निकाल लीजिए सारा, उसके बाद यहाँ पर डबल से पानी डाल सकते हो आप नली के द्वारा, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे काफी अच्छे से काम करेगा ये। तो फाइनली गाइस आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय बडीज।